हमें बांट कर हुकूमत करने की चाहत बड़ी मुश्किल से निकलेगी और सीना चीड़ देगी बद्दुआ जो हमारे दिल से निकलेगी। साहब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्लीज़ मोदी जी समझिए, अगर आपके पास थोड़ी सी भी शर्म है तो प्लीज़ डिवाइड मत करिए देश को। एबीपी की प्रवक्ताएं कौन है, उन्होंने लाइव टीवी चैनल पे ये कबूल करा है कि एबीपी के बंदे वहाँ मौजूद थे। लगातार जो देश में जो यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं जो विश्वविद्यालय हैं, बताया जा रहा है कि उन पर लगातार सरकार हमला कर रही है। आप भी एक स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, क्या सोचते हैं, क्या वाकई में देश के कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों पे हमला हो रहा है? जी देखिए, आजकल जैसा माहौल चल रहा है, जैसे JNU पे परसों हमला हुआ, गुंडागर्दी हो रही है, जामिया नहीं बचा, AMU नहीं बचा, और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पे हमला हो रहा है जिन्हें हमें पता भी नहीं है, जो दबाया जा रहा है, ख़ास करके यूपी में योगी जी जो बदमाशी दिखा रहे हैं अपनी, तो ये चीज़ गलत है। और ऐसा कभी मैंने तो कोई हिस्ट्री में पढ़ा नहीं कि कहीं पे कोई स्टूडेंट दबाए गए हों। ये लोग कहते हैं कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? भाई क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। जो जाहिल हैं, जो मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं, हाँ भाई ये सही है, बस ठीक है, मोदी जी सही हैं। अरे भाई हम कौन से अपोज हैं, लेकिन आप ये तो बताएं जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जब तक मोदी जी सही जा रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था उनके खिलाफ, लेकिन जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ लागू करी कि डिवाइड एंड रूल, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भी एक पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल, BJP आई उनने अपनाई बट उनने ओपनली नहीं करी। अब जब से ये CAA NRC लागू करी, इन्होंने बिल्कुल ओपनली मुसलमानों के खिलाफ आ गए। क्या हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे ज़मीन के लिए खून अपना नहीं दिया? क्या हम इस देश में पैदा नहीं हुए? हम इस देश की तरक्की के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे? किसके लिए पढ़ रहे हैं? लेकिन सरकार कह रही है कि NRC और CAA से मुसलमानों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना कोई लेना देना है, और PM मोदी तो ये भी कह रहे हैं कि NRC पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है हमारे। NRC पे चर्चा नहीं हुई है, आसाम में डिटेंशन कैंप्स बन रहे हैं, मोदी जी तो झूठ भी इतना प्यारा बोलते हैं कि सीना तांग के बोलते हैं। क्या जनता अंधी है? हम लोग अंधे हैं, बहरे हैं, दिखता नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है क्या हम लोग? ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है। ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में आके दो स्पीच दे के सोच रहे हैं दिल्ली की सीट इनकी होगी। अभी ये झारखंड से भगाए गए, अभी ये दिल्ली से भी भगाए जाएंगे। खैर दिल्ली में तो इनकी गवर्नमेंट आनी ही नहीं है, यहाँ दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बहरहाल मोदी जी को मैं क्या कहूँ, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे आप बेहतर जानते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट फुलिश प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक प्यारा सा जो वो आएगा वो मोदी जी का नाम आएगा। और कितनी बदनामी चाहेंगे आप देश की, कितनी बदनामी? तो आपको नहीं लगता आप एक यूथ हैं कि एक मजबूत प्रधानमंत्री है देश के और मजबूत हाथों में एक सरकार है? बिल्कुल, अभी तो देश को एक नए चेहरे की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है, जो ऐसे लोगों को हटाए जो देश को, पता है इकोनॉमी अभी इतनी डाउन हो गई है, मतलब रोज़गार नहीं है, हम जैसे लड़के पढ़े लिखे होकर भी घूम रहे हैं सड़कों पर हैं, क्या है, पढ़े जा रहे हैं, सोच रहे हैं शायद कुछ पढ़ेंगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो बेहतर हो, और पढ़ लेते हैं तो बेहतर हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी चल रही है, कोई नहीं देख रहा, गरीब मरते जा रहे हैं, अमीर पैसे खाए जा रहे हैं, क्या है? तो क्या आप भी बेरोज़गारी GDP के बारे में सोचते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं सोचेंगे, हम इंडियन हैं, हम तो ज़रूर सोचेंगे। इकोनॉमी कितनी डाउन है, किसको इफेक्ट करेगी? मोदी जी तो अपने 5 साल राज करके चले जाएंगे, क्या होगा, किस पे फ़र्क पड़ेगा? जो यहाँ रह रहा है उस पे फ़र्क पड़ेगा, मोदी जी पे फ़र्क नहीं पड़ने का, जो फ़र्क पड़ेगा हम जैसे लोगों पे पड़ेगा। GDP डाउन हो रही है, मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ेगा यूथ को पड़ेगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमें पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आने वाली गवर्नमेंट आएगी वो GDP को उठाने में लग जाएगी, आगे का क्या करेगी डेवलपमेंट, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश में बेरोज़गारी कम हो, GDP बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े? जाहिर सी हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब है? भाई हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा था, किसने सुना है हिंदू मुस्लिम? आपने पहले सुना था हिंदू मुस्लिम? कहीं नहीं होता भाई, सब रह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना साथ में तो हमें पता नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, हम साथ में बैठते हैं, दोस्ती होती है, यारी होती है, एक खाना खाते हैं हम, एक लंच में बैठते हैं, एक कैंटीन में जाके एक छत के नीचे बैठते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं।
हमारे पास नहीं है, इंडियन सिटीजन्स को हिंदू मुस्लिम नहीं जानते, ये जो जानते हैं ये पॉलिटिशियन जानते हैं, डिवाइड एंड रूल जो ये कर रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन्स की कोई गलती नहीं है, ये कोई इसमें वो नहीं करता। आज भी आप जाके देखिए, यहाँ देख लिया आप कितने हिंदूज आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, क्योंकि वो इंडिया को सेकुलर चाहते हैं। इंडिया की पावर सेकुलरिज्म में, डिवीजन में नहीं है इंडिया की पावर। क्या लगता है सरकार जैसे वो नीति अपना रही है तो आपको भी लगता है कि वो एक हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? जाहिर सी बात है, हिंदुत्व की बढ़ नहीं रही है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक तरीके से कंट्री हिंदुत्व हो गई है। आप जान चुके हैं कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आवाज़ें दबाई जा रही हैं। एबीवीपी का जिंदा गुंडा राज चल रहा है, कोई वहाँ पे कोई नहीं देख रहा। क्या मोदी जी को वो दिख नहीं रहा? मोदी जी अपनी स्पीच में कहते हैं कि लोगों के कपड़ों से पहचान लिया जाएगा कौन उग्रवादी है। आपने पहचान लिया? पहचाना आपने? लोगों ने मुंह पे ढांटे लगा रखे हैं, पहचाना आपने? बताइए। तो क्या लगता है, एबीपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर लेफ्ट वालों ने हमला किया है। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं? भाई आरोप लगाने को तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। कि हमारी आंखें नहीं है? जो एक पिक देखी होगी आपने जिसमें एक लड़का हैमर लिया हुआ है, एक लड़की है, मैं उसका शायद फोटो मेरे फोन में नहीं है, बट मैं आपको और हाँ वो मेंबर है एबीवीपी की, साफ क्लियर मेंबर, और वो कह रही है कि नहीं है। एबीपी की प्रवक्ताएं कौन है? उन्होंने लाइव टीवी चैनल पे ये कबूल करा है कि एबीपी के बंदे वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हाथ में रॉड्स वगैरह सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ले रखी थी। ये उन्होंने खुद ब खुद माना है कि ये चीज हुई है, समझा? क्या लगता है जैसे देश की जो नीति पॉलिसी है, क्या लगता है उनसे देश का भला नहीं होगा? अरे भाई देश का भला नहीं हो रहा सच में, सिर्फ लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्लीज विनती करता हूँ, कोई फायदा नहीं है ये करके कि हमें बांट कर हुकूमत करने की, हमें बांट कर हुकूमत करने की चाहत बड़ी मुश्किल से निकलेगी और सीना चीर देगी बद्दुआ जो हमारे दिल से निकलेगी। साहब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें पढ़ने दीजिए, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम क्या जाने साहब ये दंगे और क्या ये प्रोटेस्ट, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 13 तारीख से मैं एक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, किस लिए? मुझे लग रहा है कि हमारा देश बट रहा है, अलग हो रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये, एक बार प्लीज़ सोच लिए, ये देश हमारा भी उतना है जितना आपका है। और ये हिंदुत्व से क्या फ़ायदा है मेरे भाई? हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, भाई सेकुलरिज्म में पावर है इंडिया की। भाई प्लीज़ मोदी जी समझिए, अगर आपके पास थोड़ी सी भी शर्म है तो प्लीज़ डिवाइड मत करिए देश को।